मुद्दे दो चले हुए हमारे घर में, एक तो करियर को लेके अंगद और अगस्त की लड़ाई चल रही है जिसके बारे में विजय को कुछ खास पता नहीं है, और दूसरा बुलबुल घर में आई है उसको लेके बहुत मन मुटाव है बाकी सारे घर वालों को। तो विजय और बुलबुल दो फ्रंट पे लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो इसकी एंट्री हुई है कि सब मान जाएं और इसे माफ़ कर दें, ये उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही है, और दूसरा इन दोनों की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में तो खैर हमें अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। नहीं, ये तोड़ फोड़ करेंगे अभी अंदर जाके कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं क्या करूँ, मैं उनको बोलूँगी कि नहीं मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप सब कर लोगे। तो इतनी सारी सिचुएशंस एक साथ आ गई, हम विजय उन्हें कैसे सॉल्व करता है ये तो आगे हमें, अगर हम इतनी आसानी से बता देते तो फिर पूरा सीरियल क्यों बन रहा है, वो आपको सीरियल देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये दिक्कतें सॉल्व होंगी और राइटर किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न लाएगा। मेरी और अग्गू की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है लोगों को, मैं ओ सॉरी। तो क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए लास्टली कोई मैसेज? नहीं है वो बन जाएंगे देख के। आप क्या कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि विजय बुलबुल के जितने भी फैंस हैं जिन्हें पसंद है हमारे साथ में सीन्स देखना, उनके लिए आगे काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे हैं। हमने कल ही एक बहुत अच्छा सीन किया था तो काफी रोमांटिक एंड क्यूट मोमेंट्स मजा आ जाता होगा, इतना अच्छा रोमांस करते हो तो उन्हें भी मजा लास्टली हम अपने फैंस को ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारा शो ऐसे ही देखते रहिए, सामनाम दंडवेद, और ऐसे ही हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार करते रहिए, एंड बहुत जल्दी आपके लिए बहुत सारे नए नए ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं हम लोग, एंड आई होप यू कीप लविंग अस। बुलबुल मंदिरा की बातों में आ गई थी, उसने मंदिरा ने उसे कह दिया था कि ये विधायक जी और मंदिरा अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनका अभी भी रिलेशनशिप है, एंड मैं बीच में आ गई उन दोनों के, और विजय मुझे सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, तो मैं विजय को दुखी नहीं देख सकती थी, उसे लगता था कि मेरी वजह से विजय इतना दुखी रहता है और वो यू नो अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा मंदिरा के साथ, तो मैं उसकी बातों में आ गई थी। इस वजह से मैं पूरी, उसने मुझे बोला कि तुम्हें गिरना होगा फैमिली के नज़रों के सामने, विजय की नज़रों के सामने, ताकि वो तुम्हें छोड़ दें, क्योंकि अभी वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है विजय पे कि वो कभी पीछे नहीं हटेगा। तो उसकी बातों में आके मैंने बहुत गलत किया, फैमिली की बेइज्जती की, विजय की बेइज्जती की, तो उस वजह से सब लोग मुझसे नाराज़ है। जब मुझे एक्चुअली रियलिटी पता चली मैंने सबसे आके माफ़ी मांगी, लेकिन अभी तक कुछ ठीक हुआ। विजय ने झट से माफ़ कर दिया वैसे, विजय ने तो काफ़ी जल्दी माफ़ कर दिया, तो उसने कहा था कि वो टाइम नहीं करेगा, लेकिन एनीवे तुम भांग पी के तुम शावर में आ जाओगे तो कैसे माफ नहीं होगे। एनीवे एक आई एक्चुअली वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आपने फैंस की बात की, सो हमारी पूरी टीम जब हमारा शो ओपन हुआ था, ये कोई छुपी बात नहीं है कि हमारी रेटिंग्स कोई बहुत हाई नहीं थी, और फ्रॉम व्हाट आई हैव बीन टोल्ड ये टेलीविजन हिस्ट्री में सबसे स्टनिंग टर्न अराउंड है, कि 0.4 की रेटिंग से आज हम 1.3 की रेटिंग पे हैं। तो वी वुड ऑल जस्ट लाइक टू रियली रियली थैंक द फैंस, क्योंकि सब आपकी वजह से, एक्चुअली आपकी वजह से, अगर आप नहीं देखोगे तो नहीं होगा, सो वी आर सो सो ग्रेटफुल, एंड वी रियली वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू। थैंक यू सो मच।